हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ पकोड़े बनाने की। जी, आज कुछ नया सा ट्राई करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट हुआ है, 4 बजे समय है। और हमारे यहाँ ना, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, इन दिनों बहुत आने जाने वाले संख्या बढ़ी हुई है। थोड़े जी हमारी नंद वंद आई हैं, सो तो नंद रानियों आती हैं, तो भाई तो कुछ नया नया सा ट्राई करना है। तो चलिए, उन्हीं लोगों के लिए मैं बनाऊंगी एक नया सा पकौड़े। और हाँ, मैं ये भी कहूंगी, अगर आपने ये पकौड़े पहले भी बनाया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कढ़ाही रख दिया है, इसमें डाल देंगे 2 कप पानी और एक कच्चा आलू लिया। इसे कद्दूकस करके अच्छे से धुला और डाल देते हैं पानी में। ठीक, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और थोड़ा सा दरदरी कूटी हुई लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं। 2 हरी मिर्ची कट करके डाल दिया और इसे 80% ही पकाना है, आलू को पूरा नहीं पकाना है। ठीक है, तो थोड़ा आलू पक गया है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। 2 कप पानी 1 कप सूजी के लिए परफेक्ट होता है, इससे ज़्यादा कम बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आपका डो बनेगा या तो गीला हो जाएगा या फिर ड्राई हो जाएगा, अगर आप इसमें कम ज़्यादा करोगे तो। ठीक है, अगर पानी बढ़ा रहे हो तो आप सूजी भी बढ़ाइएगा, इस तरह करिएगा, काम हो जाएगा। तो डो बन के तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसे एक प्लेट में फैला देना है, ये ठंडा होए। यहाँ पे नूडल्स उबालना है, नूडल्स से बना रही हूँ पकौड़े। तो इसको पानी में डाल के और इसे एक उबाल आने का हमें वेट करना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। और एक उबाल आने पर हम क्या करेंगे, इसे ठंडे से पानी में डाल देंगे, मतलब आइस के साथ डालेंगे, ताकि इसका जो है स्टीम हो रहा है ना, ये तुरंत रुक जाए। तो ठंडे पानी में हमें डालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है, 80% ही उबालना है, जैसे मैंने कहा। ठीक है, चलो इसे ठंडे पानी में निकाल दिया। ये घोल बनाते हैं, तो इसमें लेंगे 2 चम्मच शेजवान सॉस, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 2 चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। इतने पकौड़े के लिए इतना काफ़ी होंगे। हल्का सा हमने नमक डाला और ये घोल बना के तैयार कर दिया। बस इस तरह से गाढ़ा सा घोल होना चाहिए, पतला बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा घोल होना चाहिए ना कि जब हम पकौड़े इसमें डालें तो ये अच्छे से कोटिंग हो जाए। ठीक है, अब देखिए, इधर हमारा जो हमने डो बना के तैयार किया ये भी रेडी हो गया। ठंडा होने पर हम इसे हाथ से मसलते हुए एक रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसे गोल भी बना सकते हो, लेकिन गोल में क्या होगा फ्रेंड्स ना, कि जैसे हम नूडल्स इसमें लपेटेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इस लंबे में कट की करी हूँ। ठीक, यहाँ पर हमारा जो नूडल्स है बिल्कुल ठंडे पानी में किया था, बिल्कुल ठंडे पानी में डालने से ना ये बिल्कुल खिला खिला सा रहता है। ठीक, तो नूडल्स भी ठंडा हो गए। अब हम इसे एक रोल उठाएंगे और इस घोल में डिप करेंगे और इसमें नूडल्स से बांध देंगे। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा मतलब अलग है ना, यूनिक। तो फ्रेंड्स, मैं दोबारा वही बोलूंगी, अगर आपने पहले बनाया तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बस इसी तरह से हमें एक के बाद एक घोल उठाना है, घोल के अंदर डिप करना है और इस नूडल्स से बांध देना है, बस इतना ही हमें करना है। चलो, सारे पकौड़ों को हमें इसी तरह से बांध देना है, ऊपर से नूडल्स की कोटिंग, मतलब एक तरफ कहो कि कोटिंग या कवर, कुछ भी कह सकते हो। नहीं, चलो, सारे हमने कपड़े पहना दिए हैं, मतलब वस्त्र पहना दिया है, और गरम गरम तेल में इसे हमें फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में ना, पहले हाई फ्लेम करिएगा, उसके बाद लो कर दीजिएगा, वरना अंदर तक पकाना भी है, नूडल्स लपेटा हुआ है, अंदर तक क्रिस्पी करना है, तो थोड़ा सा इसे लो फ्लेम कर दीजिएगा, लास्ट में फिर हाई करके इसे निकाल दीजिएगा। मतलब इस तरह से हमें करना है। अब हमने पकौड़ों को निकाल देना है, बस इसी तरह से जो बचा हुआ दूसरा बैच है वो भी हम निकाल देंगे। देख, पकौड़े तोड़ के दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हो अंदर तक बहुत ही बढ़िया ये पक गया है। और यहाँ पे आप चाय के साथ, टमाटो सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ, आप जैसे चाहो इसे एंजॉय कर सकते हो। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, क्योंकि हमारे नंदरानी मार्केट से आ ही रही होंगी, तो चाय तो बनता है। बनके तैयार हो गया है। ऐसे मैंने क्या किया है ना, जो नूडल्स होते हैं उसको उबाला, इसमें लपेट कर और इसे फ्राई कर लिया। जानते हो ये बहुत ही कुरकुरी बनी हुई है, तो बहुत ही, कैसे दिखाऊं, देखो रेसिपी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और पता है मेरे घर में बहुत सारे बंदे आजकल आए हुए हैं, जैसे कि मेरी नंद आई है, बच्चे आए थे, कुछ आए थे, कुछ चले गए, कुछ आने वाले हैं, मतलब कई दिनों से मेहमान नवाजी ही चल रहा है। और अभी तो सब लोग गए हैं मार्केट, तब तक वो लोग आएंगे ना, तब तक चाय पकौड़ी बना के मैं रेडी करके रखती हूँ।
और ये मोनी है मेरी भांजी, आ जाओ मोनी आओ। ये देखो ये मेरी छोटी वाली भांजी है, हेलो तो कर लो। हेलो। और बड़ी वाली तो कल चली गई, उसके बच्चे का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था ना, इसलिए वो कल ही निकल गई। ट्रेन में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था तो ट्रेन में ही डॉक्टर को बुलवाया गया था, आराम पड़ गए, अब दिखाए होंगे वहां पे ले जाके दिल्ली में। अदरक ले आओ, ठीक है। और ये पकौड़ी जरूर एक बार ट्राई करिएगा, ऑडियो में भी मैं बोलूंगी, ये बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं, तो जरूर ट्राई करिएगा। चल इसे चाय के साथ, तो चाय बना रही हूँ। हाँ अरे चीजें हो चुके थे ना तभी चाय बनाती है, अचानक क्या आता है कि अरे यार मेरे पास ताजा पालक भी छत पे निकले हुए हैं, तो थोड़ा सा पालक लाए छत से और उसे भी मैंने क्या किया है यहाँ पे इसे कट करके पकौड़े और बनाने वाले हैं। बढ़िया सूखा दिया, मतलब इसका जो पानी है ना ये सूख जाना चाहिए। अब इसे हमें बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है, बारीक कट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बारीक कट करेंगे ना तो ये बेसन में ऐसे घुल जाते हैं कि बेसन ही बेसन दिखता है, हमारे पालक का पता नहीं लगता है, इसलिए बड़े बड़े ही टुकड़ों में कट करिए। आप चाहो तो बहुत छोटे छोटे पत्ती है ना तो आप इसे तोड़ भी सकते हो। चलो इसे हमने कट कर लिया, एक बाउल ले रहे हैं, इसमें डाल देंगे एक कप बेसन जी, फ्रेश हुई नॉर्मल बेसन है ये जो हम घरों में रोज इस्तेमाल करते हैं, और 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से जो पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं, अगर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हो। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच, यहाँ पे हमने लिया है अजवाइन, इसे क्रश करके डालेंगे, इसे बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। 1/2 चम्मच डाले हैं साबुत जीरा, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। सभी मसालों को हमने मिक्स कर देना है। लास्ट में डाल रही हूँ यहाँ पे चाट मसाला, अगर चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें डाल दीजिए 1/2 नींबू का रस, ठीक है। सभी चीजों को मिक्स कर देना है, हमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो बाकी बचे हुए जो चीजें हैं, जैसे कि प्याज। तो प्याज हमने इस तरह लच्छों में कट कर लिया, एक ही प्याज हमने लिया था, लच्छे में कट कर लिया है। इस तरह मसल देंगे तो इसको जो लच्छे हैं ये खुल जाते हैं, ठीक है। 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और ये थोड़ा सा हम डालने हैं दरदरी कुटी हुई लाल मिर्ची और धनिया की पत्ती साथ में। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पालक इसमें ऐड करेंगे, और हमें जब लगेगा ना पानी की जरूरत है तभी हम पानी डालेंगे, पहले से हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो पालक है ना इसमें पानी ऑलरेडी होता है तो ये चमक नमक के साथ घुलता मिलता है तो इसमें पानी छोड़ देता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बाउल छोटा है बट हो जाएगा काम। हमने हल्के हाथों से इसे मिक्स किया है, इसे हम अगर दबा के मिक्स करेंगे ना तो पकौड़े का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, पालक नहीं दिखेगा सिर्फ बेसन दिखेगा, तो बिल्कुल भी हमें दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है। हमने 1 चम्मच से 1.5 चम्मच पानी इसमें ऐड किया है, बाकी ऐसे ही ये हो जाता है, ठीक है। तेल पहले से गर्म था, अब हम सभी पकौड़ों को इसमें तोड़ देते हैं। बस हमें इसको सेट करने की जरूरत नहीं है, आपका ये जैसे हाथ में आए ना उस तरह से आप इसे डाल दीजिए। और इस तरह से पकौड़े बनाने से ना जो हमारे पकौड़े हैं बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनते हैं, इसे हमें दबाने की भी जरूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से उठाइए और डाल दीजिए। और ये बहुत ही तैयार करिए ना, बेसन का जब घोल तैयार करिए तो लंबे समय तक हमें इसे रखना नहीं है, तुरंत आप इसे तैयार करो और तुरंत छान लो, ठीक है। तो अब हमने इसे उलट पुलट करके अच्छे से पका लिया, ये काफी क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं एक प्लेट में, और आप देख सकते हो ये बिल्कुल पत्तियां पत्तियां दिख रही है और हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। जब आप बनाओगे तो जरूर आप कहोगे, चाहो तो धनिया की चटनी, चाहो तो आप टमाटो सॉस से, जैसे आप मन करे आपको चाय के साथ हर तरह से इसे एंजॉय कर सकते हो। तो एक तोड़ के मैं दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हो ये बहुत बढ़िया पक चुका है। और हाँ एक चीज और बताऊँ, ये जो मिर्ची है ना ये हरी वाली मिर्ची, हल्की सी इसे फ्राई कर दीजिए और इसमें नमक लगा दीजिए, और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, निकालते हैं इसमें थोड़ा सा नमक का छींटा मार दीजिए, ये बहुत बढ़िया लगते हैं पकौड़े के साथ, जरूर इसे ट्राई करिएगा। अब सभी पकौड़ों का हम कर देते हैं बढ़िया सी प्लेटिंग। तो यहाँ हम कर रहे हैं टमाटो सॉस के साथ, आप चाहो तो हरी चटनी के साथ कर सकते हो, जैसे मन करे चाय के साथ भी कर सकते हो, जैसे मन करे उस तरह आप इंजॉय कर सकते हो।